तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि आज के नौजवान हैं जो जिनकी उम्र 22 साल, 24 साल, 26 साल की है, उनको और अच्छा ग्रोथ करना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी को और बेहतर होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी दिन पे दिन उनके गाल पिचकते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने पाल रखा है कि इस कंडीशन में उनके गाल 100% पिचक ही जाएंगे अगर वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो वीडियो को पूरा देख कर जाना दोस्त, क्योंकि आज मैं ना कोई डाइट बताने वाला हूँ और ना ही कोई रेमेडी बताने वाला हूँ और ना ही कोई तरीका बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। बस सिंपल सा चीज है, एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो गलतियां आपसे डे बाई करके डे बाई डे हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है, जिसकी वजह से आपके गाल दिन पे दिन पिचकते जा रहे हैं। और आप देख लेना दोस्त, अगर आपने उस गलती में सुधार नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके गाल हमेशा के लिए पुचक जाएंगे, फिर उभरने वाले नहीं रहेंगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। तो चीज क्या है इसको देख लेना। जहां तक आज के समय में लड़के क्या करते हैं, आप देखोगे 16-16 साल के, 14-14 साल के लड़के क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अभी दिनेश भैया फिर कहेगा मास्टरबेशन। नहीं दोस्त, मास्टरबेशन तो अपनी जगह पे सही है कि आप वहीं से दुबले पतले हो रहे हो, लेकिन जो गाल का पुचकना होता है मेन चीज, मैं इस पे बात करूंगा। बहुत सारे लड़के जो 16-16 साल की उम्र के लड़के हैं, आप देखोगे वो सारा दिन गुटखा खैनी सारा दिन खाते रहते हैं, यहां तक कि एक एक दिन में 20-20, 15-15 खा लेते हैं, सिगरेट फेफड़े के लिए बहुत नुकसान करता है। शायद ये बात आपको पता होगा लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सिगरेट बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए दोस्त। तो सिगरेट गलती से भी नहीं पीना चाहिए किसी भी कंडीशन पे। और जो गुटखे की मैं बात कर लूं, देखो कि जब आप कम उम्र पे होते हो ना, आपका शरीर ग्रोथ कर रहा है, दिन पे दिन वो ग्रोथ कर रहा है, आप खा पी रहे हो, आपका शरीर बन रहा है, आपके शरीर के अंदर वीर डेवलप हो रहा है, आपके शरीर के अंदर स्टेमिना डेवलप हो रहा है, और वहीं क्या कर रहे हो, आप गुटके खा रहे हो। गुटके खाने के बाद जब आप के उसमें गुटका हार्ड हो गया, मसाला ज़्यादा हो गया, तो आप देखोगे यहाँ से मुँह में से जो चमड़ी अंदर से होती है गाल की, वो निकलने लगती है धीरे धीरे, कट कट के निकलने लगती है। और जब वो निकलती जाएगी तो अंदर का जो ये परत है दोस्त, ये परत ऑटोमेटिक कमजोर होता जाएगा और आपके गाल ऐसे थे ना, धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल 100% बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। तो आप अब ये मुझसे सलाह लेना चाहोगे तो दिनेश भाई इससे बचा कैसे जाए, सिंपल सा उपाय है दोस्त, आप ये जो खैनी खाते हो ना इसको छोड़ दो यार, बिल्कुल जो गुटखा खाते हो इसको छोड़ दो आप। कम उम्र के लड़कों के लिए तो मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा, जिनकी उम्र वाकई में 18 साल 20 साल 22 साल की है, उनके शरीर को भी डेवलप करना, भी ग्रोथ करना है, और उन लोगों के लिए तो 100% मैं बता दे रहा हूं दोस्त, इन चीजों का सेवन उनको नहीं करना। देख लेना आप 2 साल करके देख लेना, बहुत सारे लड़कों को आप देखते होंगे कि उनके मुंह में उंगलियां नहीं जाती, ऐसे 4-4 उंगलियां नहीं, तो मैं करके दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे ससुरा अपने भी खाता होगा, भाषण दाब रहा है या वीडियो में। जो गुटखा लोग ज्यादा खाते हैं उनसे बोल दोगे अपने 4 उंगलियों को मुंह में ऐसे डालो, नहीं डाल पाएंगे, 2-2 उंगलियां ऐसा करके डालते हैं लोग, लेकिन मैं 4 डाल के दिखा रहा हूं। ये चीज है दोस्त, चीजें ऐसी होनी चाहिए। अब आप लोग ट्राई कर लेना, जो लोग स्वस्थ हैं मस्त हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन जितने लोग ऐसे हैं कि कम उम्र से गुटखे का सेवन, नशीला पदार्थ, बहुत सारी चीजें रहती है, खासकर तो गुटखा खैनी, ये आपके गाल को पिचकाने में बहुत ज्यादा इसी का योगदान है। अगर आपको गाल अपने फुलाने तो पहले इसको त्याग दो, उसके बाद अच्छी डाइट पे ध्यान दो, आप देखोगे 1 साल के अंदर आपका चेहरा कैसे से कैसा हो जाएगा। ठीक है, मेन चीजें यही थी जिस पर हमने बात किया दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा आपने समझ लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को जरूर से जरूर फॉलो करोगे। और एक चीज, जितने भी मेरे भाई लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए मेरा नया चैनल है ब्रह्मचर्य इंडियन के नाम से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके आप देखो मोटिवेशनल वीडियो देखो यार, अपने ब्रह्मचर्य रूटीन को लॉन्ग टर्म तक लेके जाओ, जिससे कि आप अपने आप को वाकई में इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट में बताना, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।